अपने साथी और शहीद राइफलमैन रामबाबू शाही को सेना के जवान आखिरी विदाई दे रहे हैं। आंखें नम, मन भावुक, लेकिन देश पर मर मिटने वाले भावनाओं को बाहर नहीं आने देते। लेकिन परिवार की भावनाएं कहां मानती हैं? शहीद के पार्थिव शरीर सामने आते ही वो बिलखने लगे। साथी जवानों ने संभाला, लेकिन जवान बेटे का शव किस ढांढस से रुकने वाला था? शुक्रवार को 32 आरआर के जवानों को सूचना मिली कि हंदवाड़ा में किकराल गुंड के पास एक गांव में आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद वहां घेराबंदी कर अभियान चलाकर तलाशी की जा रही थी। उसी समय एक जगह छिपे आतंकवादियों ने हथियारों और ग्रेनेड से जवानों पर हमला बोल दिया। ये नेपाल का है, तो इसलिए इसकी जो श्रद्धांजलि और लास्ट राइट्स हमने यहाँ करी हैं, और इसके परिवार को नेपाल से बुलाया गया। और हमें ये गर्व की बात है कि हमारा एक गोरखा राइफल्स का जवान अपना ड्यूटी करते समय, देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते समय शहीद हुआ। राइफलमैन रामबाबू शाही घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राइफलमैन रामबाबू शाही गोरखा रेजिमेंट के योद्धा थे और मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। परिवार नेपाल से वाराणसी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचा था। नम आंखों के बीच पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।